नमस्कार, राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पायलट कैंप के सबसे वरिष्ठ सिपाही हेमा राम चौधरी के बयान इन दिनों सियासी गलियारों में सुर्खियों में है, लेकिन इसी दौरान हेमा राम चौधरी ने एक और बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल इस बार हेमा राम चौधरी ने पायलट गुट में शामिल होने के पीछे की वजह बताई है। हेमा राम चौधरी ने कहा है कि उनकी ये मजबूरी थी कि उन्हें सचिन पायलट के साथ जुड़ना पड़ा। उन्होंने हमसे खास बातचीत की है, उस खास बातचीत में हेमा राम ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले उसे विस्तार से सुनिए। जी सर, नमस्कार, कैसे हैं सर? हाँ नमस्कार, हम ठीक हूँ सर। जिस प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य एकाएक राजस्थान का बदला, क्या कारण रहा कि आप लोगों को बारेबंदी करनी पड़ी और आला कमान के सामने शर्तें रखनी पड़ी? नहीं, शर्तों की कोई बात नहीं थी जी, हमारी कुछ समस्या थी जी, कामकाज के मामले को लेकर के जी, तो वो हम हाईकमान के सामने रखना चाहते थे जी, इसलिए हमने अपनी बात है वो हाईकमान के सामने रखी जी, और उस पर हाईकमान ने कमेटी के गठन का आश्वासन दिया। वो कमेटी का गठन हो चुका है जी, और कमेटी अब आगे किस प्रकार से कैसे ठीक ढंग से कामकाज हो, जो भी हमारे कामकाज की कोई भी दिक्कतें थी जी, तो वो दिक्कतें दूर करेगी कमेटी। हम भी, हमारी जो भी कोई कामकाज की बात है जी, जो भी गिला शिकवा है जी, वो हम कमेटी के सामने रखें। हेमा राम जी, प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे जी को बदल दिया गया, तो क्या ये माना जाए कि आला कमान ने सचिन पायलट की ये पहली बात मानी है या सचिन पायलट की जीत है? ये किसकी बात मानी गई, किसकी बात नहीं मानी गई, प्रश्न ये नहीं है जी। प्रश्न ये है कि पार्टी किस तरह से मजबूत हो जी, और सरकार का काम सुचारू रूप से चले जी, इस बात को लेकर के हमने हाईकमान के सामने बात रखी जी, और हाईकमान ने जो उचित समझा वो उन्होंने कदम उठाया, निर्णय लिया जी, और कमेटी के गठन की बात ही, कमेटी गठन हो गया, जनरल सेक्रेटरी को बदलना था तो वो हाईकमान का निर्णय। तो आप लोगों ने क्या ये आला कमान, आप लोगों ने क्या आला कमान से मांग रखी थी कि प्रदेश प्रभारी को बदला जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि सचिन पायलट प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे की कार्य प्रणाली से खुश नहीं है? नहीं, हम तो, हमारी जो भी पीड़ा थी ना वो हमने हाईकमान के सामने रख दी जी, और फिर हाईकमान पे ही हमने तो सारा मामला छोड़ दिया था जी, कि जो भी आप निर्णय करेंगे हम उस निर्णय से की पालना करेंगे, और आज भी हम उनके निर्णय की पालना करने के लिए तैयार हैं और करेंगे। हेमा राम जी, आप मंत्री रहे गहलोत सरकार में पहले भी और कद्दावर नेता है राजस्थान के, क्या लगता है आपको कि राजस्थान की राजनीति को क्या अब युवा हाथों में सौंप देना चाहिए? अब ये हाईकमान का निर्णय होगा जी, उसी के अनुसार कमान सौंपी जाएगी। हमारे हाथ में कमान सौंपना है नहीं, ना हमारे कहने से कोई कमान किसी को दी जाती है, ये हाईकमान ही निर्णय करेगा किसको कमान सौंपी जाए किसको नहीं सौंपी जाए। फिर भी आपको ये क्या लगता है कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री के योग्य है? मुख्यमंत्री के बनने के पायलट योग्य है, इसमें योग्य में तो कोई कमी है नहीं जी, लेकिन बना मुख्यमंत्री का दायित्व किसको सौंपा जाए ये हाईकमान का मामला है, ये हमारे स्तर का मामला नहीं है। मुख्यमंत्री गहलोत बार बार ये कहते हैं कि सचिन पायलट के अंदर अनुभव की कमी है, तो क्या आपको भी लगता है सचिन पायलट के अंदर अनुभव की कमी है? मेरे को तो पायलट साहब में कोई किसी प्रकार के अनुभव की कमी लग नहीं रही है। अब उनको अनुभव की कमी लग रही तो वो जाने, जहां तक मेरा सवाल है वो बहुत ही काबिल आदमी है और अनुभव भी है, और राज्य 6 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और कांग्रेस की मजबूती के लिए उन्होंने बहुत ही शानदार काम किया। हेमा राम जी, मेरा सवाल ये है कि आपके पार्टी के ही नेताओं ने आप लोगों पर आरोप लगाया कि भाजपा की गोद में आप लोग दिल्ली में बैठे हुए थे, तो क्या ये सच है कि आप लोग भाजपा की गोद में बैठे थे? हम अगर भाजपा की गोद में जाकर के बैठ जाते जी, तो फिर वापस कैसे आते और वापस हमें कौन आने देता जी, है? और अगर उनके, मान लो हम वो कह रहे थे कि मेहमान नवाजी, तो फिर वापस आना हमारे हाथ में थोड़ा ही होता है, है? जी, तो हम कोई उनके कब्जे में नहीं थे, ना उनका हमारे ऊपर कोई निर्णय था, ना हम उनकी गोद में थी।
हेमा राम जी, पहले आप मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी थे, लेकिन अब आप सचिन पायलट के करीबी है। क्या कारण रहा कि आप सचिन पायलट के कैंप में शामिल हुए? हमको पायलट ठीक लगते हैं, इसलिए पायलट के साथ हैं। जिसको जो अच्छा लगेगा वो उसके साथ है। पायलट में क्या अच्छा लगता है आपको? पायलट ने हमारा काम किया, 1.5 साल तक उप मुख्यमंत्री रहे, बहुत अच्छा काम किया, हमारा हर काम किया, कोई काम ऐसा नहीं जो उन्होंने नहीं किया हो, ऐसा नहीं रहा। और तो जब जो जो भी काम करेगा वो अच्छा लगेगा, मेरे को क्या, हर किसी को अच्छा लगता है, ये तो स्वाभाविक रूप से है। हेमा राम जी, अब कहा जा रहा है कि आपका नाम अब डिप्टी सीएम में है, आपको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, क्या आपको इस बात नहीं जान? नहीं, मैंने तो कभी पद की मांग आज दिन तक की नहीं, ना अभी भी मेरी कोई पद की मांग है, ना मेरी कोई उप मुख्यमंत्री बनने की ख्वाहिश है, ना कोई मंत्री बनने की ख्वाहिश है, ना कोई पद की ख्वाहिश है जी। मेरा तो सिर्फ एक ही है कि कांग्रेस के लिए मैं 40 साल से अधिक टाइम से प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा हूँ, और यूं वैसे 50 साल से मैं कांग्रेस में बहुत सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ जी। जितना मेरे से हो सका कांग्रेस को मजबूती देने के लिए काम किया, आगे भी है कांग्रेस को मजबूती देने के लिए काम करूंगा, और हाईकमान जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी उसको बखूबी अच्छी तरह से पार्टी के हित में निभाने के लिए मैंने पहले भी काम किया और आगे भी करूंगा। हेमा राम जी, मेरा अंतिम प्रश्न है, सचिन पायलट को निकम्मा नकारा तक बोला गया, ये तक बोला गया कि वो सिर्फ प्रदेश में लड़ाने का काम करते थे, क्या लगता है कि ये सब होने के बावजूद अब स्थिति पहले जैसे बन पाएगी? नहीं, ये जो कहा उन्होंने पायलट साहब के बारे में ये ठीक नहीं है, इसको मैं ठीक नहीं मानता, मेरा ऐसा मानना है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर भी अब किसी का मुंह तो हम पकड़ नहीं सकते, कौन क्या किसके बारे में कहे, लेकिन ये पायलट साहब के बारे में कहा है तो ये ठीक नहीं है। पायलट बहुत ही नेक, निर्भीक, काबिल और जनता की सेवा करने वाला, पार्टी को मजबूती प्रदान करने वाला व्यक्ति है। सेवा राम जी, मेरा अंतिम प्रश्न, पहले आप अशोक गहलोत के करीबी थे, फिर आप पायलट के साथ जुड़े, तो क्या अब अशोक गहलोत यदि आपके काम करने लगेंगे तो फिर क्या आप गहलोत कैंप पे चले जाएंगे? नहीं, मैं गहलोत कैंप में कभी था ही नहीं, मैं तो किसी कैंप में था ही नहीं, मैं पायलट कैंप में भी नहीं था, मैं किसी गुट में था ही नहीं, मैं तो पार्टी के साथ था। मैं कभी भी किसी कैंप या गुट में आज दिन तक कभी पड़ा ही नहीं, अब इस बार जाके, अब इस बार मैं पायलट गुट के साथ जुड़ा, क्योंकि जब मतलब चारों तरफ से मुझे लगा अब मुझे कहीं कहीं किसी का सहारा लेना पड़ेगा, तो मैंने पायलट साहब का सहारा लिया, और सहारा लेने का कारण ये पायलट साहब ने मेरे काम बहुत किए, काम किए उस आदमी का, तो एहसान नहीं भूल सकते। तो कब तक है सचिन पायलट के साथ, जब तक काम कर रहे हैं या हम? जब काम करेंगे तब तक साथ रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो पायलट साहब काम करेंगे, नहीं करने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि अब मैं उनके 6 साल से तो बिल्कुल ही उनका नजदीकी का काम पड़ा, पहले भी प्रदेश अध्यक्ष थे, तो यहाँ घूमे हैं इस इलाके में, एक बॉर्डर पाकिस्तान बॉर्डर के पास में चौटन दो पाकिस्तान बॉर्डर के लगता है, वहां पर रात को एक धाणी में एक साधारण किसान के घर धाणी में रुके, तो इस पर प्रकार, और यहाँ जब साचौर में जब बाढ़ आई थी उसमें वो 8-10 दिन लगातार यह डेरा डाले हुए रहे, लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की आवाज उठाने के लिए, राहुल जी का उन्होंने प्रोग्राम कार्यक्रम रखाया, राहुल जी आए यहाँ पर, तो इस तरह से उसने उन्होंने कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के लिए, जो पिछली सरकार थी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो क्या लगता है हेमा राम जी, बिल्कुल मैं 2 लाइन में आपका जवाब चाहूंगा, क्या आपको लगता है सचिन पायलट राजस्थान के कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? ये तो हाईकमान के ऊपर निर्भर करता है, मैं पहले कैसे कह दूं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो बनाएंगे, अगर वो बनाएंगे तो ये आदमी काबिल है, इसमें कोई दो राय नहीं, बनाना नहीं बनाना ये हाईकमान के ऊपर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते ना कुछ हम कह सकते। ओके सर, धन्यवाद सर। तो देखिए आपने हमारी खास रिपोर्ट कि हेमा राम चौधरी ने हमसे खुलकर बातचीत की, इस दौरान उन्होंने जो आला कमान की ओर से नई कमेटी बनाई गई है उस पर भी बातचीत की, साथ ही साथ पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर सचिन पायलट के अंदर अनुभव भी है, काबिलियत भी है, लिहाजा सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। नमस्कार।